क्या आपको विंडोज़ 11 की जो नोटिफिकेशन साउंड है वो अच्छी नहीं लगती, या विंडोज़ 11 की जो नोटिफिकेशन साउंड है उसका थीम ऐसा है जिससे कि आपको सुनाई नहीं देता है, और जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता नहीं पड़ पाती कि आपके पीसी में कोई नोटिफिकेशन है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको कुछ स्टेपों को फॉलो करना है और आप अपने मनचाहा जो नोटिफिकेशन साउंड है उसको अपने पीसी में ऐड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विंडोज़ 11 में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले सेटिंग ऐप में। सेटिंग ऐप में जाने के बाद हमें जाना है सिस्टम में। सिस्टम में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा आपको साउंड का, साउंड पे जाना है। साउंड पे जाने का था हमें नीचे जाना है और ये एडवांस मेन्यू है इस पे जाना है और यहाँ पे दिखेगा लास्ट ऑप्शन मोर साउंड सेटिंग, इस पे क्लिक कर देना है तो जो हमारा साउंड की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसे डायरेक्ट ओपन करने के लिए जो आपको ये यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं साउंड का आइकन, इस पे राइट क्लिक करना है और साउंड सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ से नीचे मोर साउंड सेटिंग पे चले जाना है तो आपका जो ये साउंड की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है साउंड में, तो यहाँ पे जितने भी साउंड हैं विंडोज़ के वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें नीचे प्रोग्राम इवेंट में नीचे स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एन अल्फ़ाबेट पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि नोटिफिकेशन का क्या साउंड है। तो यहाँ पे टेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा साउंड है। तो देख सकते हो आपका साउंड होगा जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि ये नोटिफिकेशन का साउंड है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी साउंड आप चेंज करोगे वो उसका जो फॉर्मेट है वो वेब फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका फाइल एक्सटेंशन होगा .wav, उसी को जो विंडोज़ है वो एक्सेप्ट करेगा और किसी साउंड एक्सटेंशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए चेंज करने के लिए हमें ब्राउज़ पर क्लिक करना होगा। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि वो साउंड कहाँ पर है, वहाँ से आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि ये हुआ तो यहाँ से .wav फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको करने के बाद ओपन कर देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन साउंड है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आप सुन भी सकते हो। ये आप जब आप ऐड कर दोगे तो यहाँ से सुन भी सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो नोटिफिकेशन साउंड है चेंज हो जाएगा और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब नेक्स्ट जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो जो आपने चेंज किया है साउंड उस वो साउंड बजेगा जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज़ 11 में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो की मदद से आप अपने विंडोज़ 11 के नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर पाओगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, जिसमें आप वीडियो और इमेज की सहायता से अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करवा सकते हो, और यहाँ पे आपकी जो डिमांड वीडियो है वो भी बता सकते हो जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, जो कि वीडियो आपको नेक्स्ट डे ही आप मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।